ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ दाखिल परिवाद को खारिज किए जाने के निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की है। साथ ही पत्रावली को सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे ने एमपी एमएलए के विशेष एसीजेएम अमरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग वाली अर्जी दे दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ 17 नवंबर 2022 को अकोला महाराष्ट्र में जानबूझकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने निरंतर अंग्रेजों को पेंशनर, अंग्रेजों का नौकर, मददगार, अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताकर अनेकों दोषारोपण किया था। निचली अदालत ने पहले इस अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन बाद में परिवाद को क्षेत्राधिकार के बाहर का बताते हुए खारिज कर दिया था। निचली कोर्ट के इसी आदेश को निगरानी याचिका के जरिए चुनौती दी गई है।